देख रहे हैं fastsamachar.com, खबरों में सबसे तेज। जीवन में सुसंगति बनी रहेगी तो कुसंगति से बच सकते हैं। साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी। श्री राम कथा में साध्वी जी ने साख्य भक्ति की महिमा का किया वर्णन। गांधी पार्क में चल रही संगीत में श्री राम कथा में साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी ने कहा कि संघ को जीतना बड़ा मुश्किल है। आप समाज के बीच में रहो तो समाज की बुराइयों से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। जहाँ जिसकी संगति में ज्यादा हो रहोगे उसका थोड़ा थोड़ा रंग तो लग ही जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि कुसंगति से बचना बड़ा मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि जीवन में सुसंगति करते रहोगे तो कुसंगति से बचते रहोगे। अच्छा संग करोगे तो जीवन शुभ दिशा की ओर चलेगा। साध्वी जी ने कहा कि ये मानव शरीर ही मोक्ष का द्वार है। यदि इसको प्राप्त करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाए तो सबसे बड़ी हानि यही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। साध्वी जी ने श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति के 9 रूप बताए, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। आज 8वीं भक्ति साख्य के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें तुम उसकी सुन सकते हो और अपनी सुना सकते हो। मित्रता आज स्वार्थ के वशीभूत हो गई है। अगर गलत दिशा में कोई चल रहा है, अगर उसे आप सही दिशा में ले जाओ तो ही मित्रता सच्ची है। लेकिन आज तो मित्रता पीने खाने की ज्यादा चल रही है। लोग कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हो, तो मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ बताना होगा कि आज कथा का अंतिम दिन था और शुक्रवार को कथा का विश्राम होगा। पिता महाराज अवधेश ने आपको राज्य पद दिया है। राम वन के लिए चले गए एक वचन को मान करके भरत, अब दूसरे वचन को निभा करके आप भी सिंहासन स्वीकार करें। भरत ने सुना पर बोले कुछ। सारे मंत्रियों ने कहा, भरत जी हम आपके साथ हैं, हमें पता है आपको सिंहासन की आवश्यकता नहीं, पर आज सिंहासन को भरत की आवश्यकता है, आप सिंहासन स्वीकार कर लो। शुप्री से संजय चिड़ार की रिपोर्ट।